ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई करों के लिए भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। मुंबई और ठाणे में शुक्रवार को जोरदार बारिश हो रही है। शहर के निचले हिस्सों में भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अंधेरी, जोगेश्वरी, बोरेवली, दादर, घाटकोपर, माटुंगा, पवई, वसई, पालघर, ठाणे के इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से रेल यात्रियों को भी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ट्रैफिक जाम भी सड़कों पर काफी हो रही है। इसी तरह मुंबरा में भी बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है, तो लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, मगर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ऑफिस जाने वालों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। तो वहीं रेल पटरियों पर पानी भरने की वजह से सेंट्रल रेलवे की संचालन करीब 30 मिनट देरी से चल रही थी, तो वहीं वेस्टर्न रेलवे का संचालन नॉर्मल बताया गया। तो वहीं मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 48 घंटों में 100 मिलीलीटर तक महाराष्ट्र के 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, सतारा, सिंधुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, इन इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। लगभग 24 घंटे से ठाणे और मुंबई के आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और अगले 24 घंटे इसी तरह से तेज बारिश हो सकती है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।